meet again. So, hey guys, and welcome back to the channel. और आज एक बार फिर से हम Pokemon Radical Red की जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं. एंड ये रहे पिछले पोके क्विज के विनर्स. एंड आज हम लोग जाने वाले हैं मिस्ट्री को हराने के लिए. तो सबसे पहले मुझे अंदर जाना होगा जिम के. सो लेट्स गो एंड देखते हैं क्या होगा. सबसे पहले मैं अपनी टीम दिखा देता हूँ. एंड एक काम करता हूँ, योलो को फर्स्ट में रख लेता हूँ, क्या पता ये काम आ जाए. एंड लेट्स सी क्या होगा. ओके, यहाँ पे पहला ट्रेनर जो है ये स्विमर. ओके, इसका इमोल गा है. फोर्स फॉर्म करके ट्राई करता हूँ. अच्छा, ये पावरफुल नहीं है, काउंटर करके देखेंगे. ओके, ऑल राइट. अरे अरे भाई भाई, रियोलू को तो पहले ही मार दिया इसने. ड्रेडिगोन एंड ड्रैगन रेज किया मैंने उस पर. ऑल राइट, वो हार चुका है. एंड नेक्स्ट पोकेमॉन उसका, अच्छा एक नया मूव सीख रहा है, डुअल विंग बीट. ओके, तो हॉर्न क्लॉज मैं ऐसे भी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ. एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग नए मूव के साथ. एंड ग्रैवी भी मेटल क्लॉज सीख रहा है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, बबल हटा देता हूँ, क्योंकि बबल भी मैं ही, तो बबल क्यों रखूँ मैं. एंड ओके, इसका ड्रैगन रेज करता हूँ. वैसे गाइस, आपको पोकेमॉन वाई की वीडियो ज़्यादा चाहिए या फिर रेडिकल रेड की, क्योंकि मैंने अपने लेटेस्ट कम्युनिटी में बताया कि अभी ये दोनों गेम पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस करने वाला हूँ. एंड जब यार ये दोनों बराबर आखिरी पे आ जाएगा ना, तब यार ये इसको तो रेडिकल रेड को तो मुझे यार इसी मंथ में ख़त्म करना है. एंड आगे बढ़ते हम लोग, एक और ट्रेनर आ गया यहाँ पे, आ गई है विम्पोर्ट इसके पास. वेल, मैं इस पर फोकस फॉर्म करूँगा, काउंटर करते हैं. ऑल राइट, पोकेमॉन ड्रेडिगोन से होगा अभी यहाँ पे, कहीं रियोलो फिर से फेंट ना हो जाए. ओके, तो अभी देखते हैं क्या होगा. यार ये जल्दी मर नहीं रहा. चलो कोई नहीं, आखिर मैंने उसको हरा दिया है. एंड अब यार मैंने टीम जो है ना वो चेंज की है. यस, मैं रूट पे गया था, पिछले रूट पे. एंड वहाँ से मैंने दो नए पोकेमॉन्स पकड़े जो कि इलेक्ट्रिक टाइप है. दिखाता हूँ, जेट्री का एक एंड एक इमोल का है. एंड मैं झूठ की बोलूँ, एक मैंने माउंट मून में जाके पकड़ा है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत थी यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ा. हाँ, यू आर अ न्यू फेस, ओनली दोज ट्रेनर्स हु हैव अ पॉलिसी अबाउट पोकेमॉन कैन टर्न प्रो. ओके, व्हाट इज योर अप्रोच व्हेन यू कैच एंड ट्रेन पोकेमॉन. माय पॉलिसी इज ऑल आउट ऑफेंसिव विथ व्हाट टाइप पोकेमॉन्स. ओके, फ्रॉगेटर इसके पास, क्या मैं इसको हरा सकता हूँ यार, जल्दी से मुझे इसको हराना है. देखते, अरे भाई 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 ये क्या, ओए ये तो उल्टा हो गया, इट्स नॉट सुपर इफेक्टिव. यार ये कैसे हो गया, मतलब ये गेम का यार क्या ही बोलूँ यार, मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन वाटर टाइप पे उसका मूव नॉट इफेक्टिव, भाई क्या ही बोलूँ. अरे ये भी गया भाई, तो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन मैंने पकड़े क्यों. लैंड्रेस ड्रेडिगोन, मुझे लगता नहीं कि मैं इन ग्राउंड टाइप पोकेमॉन से हरा पाऊंगा उसको. यार इसका आइस पंच, ओ शिट यार, ओ माय गॉड कितना पावरफुल है ये रियोलू. क्या ये कुछ कर सकता है, काउंटर करके देखता हूँ मैं. अरे भाई 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 रुक जा भाई, ओ शिट. ओके, और इन मेडिसिन उसने हील कर लिया है. एंड फटाक से यार पोकेमॉन चेंज करके मिस्ट्री वार कर रही है यार, अच्छी ट्रेनर है मिस्ट्री भी. ओके गाइस, तो मैं कैसे कैसे करके यहाँ तक आया हूँ. एंड लिटरली मैंने उसको कैसे भी करके हरा दिया यार, बहुत ही मुश्किल था भाई, क्या ही बोलूँ. एंड फाइनली मुझे यहाँ पे कैस्केड बैज मिल चुका है. ओके, ऑल राइट, अब हम लोग जा सकते हैं यहाँ सरुलियन सिटी से, आगे जाएंगे एंड अपने एडवेंचर को कंटिन्यू रखेंगे. पर उससे पहले पोकेमॉन सेंटर जाते हैं एंड हील कर लेते हैं अपने पोकेमॉन्स को, बिकॉज यार मुझे फुल हेल्थ चाहिए होगी आगे वाले आने वाले एडवेंचर के लिए. एंड ओके, हील कर लिया मैंने. सो अभी हम लोग चलते हैं सीधा, उससे पहले मुझे याद भी नहीं यार, बहुत टाइम होगा फाइट खेले हुए. यहाँ से जाना था क्या, यहाँ से गेट टू एक पुलिसमैन. ओ भाई गॉड, गैरी यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग. ओके यस, अच्छा डायरेक्ट बैटल कर ली इसने, तो इसका से कर लिया. एंड मैं इसको बुलडोज ट्राई करते एक बार. गाइस बुलडोज, पता है तुम एक और तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, टाइपिंग बुलडोज पर उतना ना, मतलब कि ये जो मूव है बुलडोज, ये टाइपिंग पे उतना क्या कहते हैं ना, इस पर ध्यान नहीं दो, क्योंकि ये मूव ना अच्छे खासे पोकेमॉन्स को भी ऐसे ही सुला देता है, मतलब हमेशा के लिए फेंट कर देगा. मतलब तुम समझ रहे हो, ये जो पोकेमॉन नीचे ज़मीन पे खड़े होते हैं ना यार, मतलब कि जो पोकेमॉन्स ऊपर उड़ नहीं सकते यार, उन पे ये इफेक्टिव होता है. प्लस यार फ्लाइंग टाइप पे भी इफेक्टिव हो जाता है ये, इतना खतरनाक मूव यार बुलडोज ये. एंड इसी मूव से यार मैं ज़्यादातर खेलता हूँ, तुमने मुझे देखा होगा चार मेलियन. अच्छा ये वही स्टार्टर है इसका,
एक सेकंड, इसका स्टार्टर नहीं हो सकता 4 मिलियन, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टर तो नहीं था, जिसको स्टार्टर कई रूट से मिला है। कोई नहीं, कैसे भी करके मैंने उसको हरा दिया है। ओके आई वेंट टू बिल, ओके यहाँ पे बिल, अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, वो क्या बोलते हैं क्लिफेरी में बन जाता है ना अपने मशीन से, अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो ओके, तो इसने मुझे एक आइटम दिया जो कि पोके राइडर, इससे क्या हो सकता है। ओके तो इसने कॉन्स्टेलेशन प्राइज के तौर पे हमें दिया है ये, कोई नहीं मैं इसको रख लेता हूँ भाई, थैंक यू। एंड जीता भी हमने बैटल, तो यार प्राइज तो बनता है। कैरी यार कंजूस नहीं है बाकी गेम्स जैसा। चलो फिर ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड आई थिंक अब बहुत बैटल्स होने वाली है, ऊपर शायद ब्रिज होता है कोई, एंड ब्रिज पे मैं चुका हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स है यार। ऑल राइट चलो फिर जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं इस बैटल को। ओके यार कितना डेंजर मूव यार, बुलडोज मज़ा आ गया, इसको भी करता हूँ। ओके यार ये भी नेक्स्ट पोकेमॉन उसका मशारना। ओके गाइस आज का पोके क्विज है कि मशारना किस रीजन का पोकेमॉन है, जल्दी से नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताओ, एंड नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट ले लेना। ओके ड्रैगन रेज गया वो, एंड यार एक और चीज़ यहाँ पे लैंडर स्लिप है, सो रहा है वो। ओके यहाँ पे मैंने इसको हरा दिया है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके इसका कौन से पोकेमॉन से है, अर्सरिंग। ओके ऑल राइट सो रहा है यार अभी तक, यार उठ जा, अच्छा उठ गया ये ओपी, थोड़ी सी एचपी रह गई है उसकी। ओके गया वो, नेक्स्ट पोकेमॉन है उसका सोबल, बुलडोज करता हूँ मैं इस पर। ऑल राइट ओपी तरीके से यार हम लोग हराए जा रहे हैं क्रोगंक। ओके सुपर इफेक्टिव गया ये भी, एंड आगे बढ़ते हैं फिर से, एक और ट्रेनर है यहाँ पे, यार यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर है, बल्बस और इस पर बुलडोज करता हूँ मैं। ऑल राइट कितना कमाल का मूव है यार, मैंने लैंडर्स को पकड़ के बहुत बढ़िया काम किया, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी यार, ये कमाल का पोकेमॉन है। एंड मुझे तो ये रूट 2 पे ही मिल गया था। ओके वराइजियन, मुझे रूट का नाम उतना अच्छे से याद नहीं यार, लेकिन मुझे यहाँ याद है पहले टाउन के आगे जो रूट्स होते हैं ना, मुझे वही से कहीं मिला था। एंड ये क्या बोलते हैं बोरेडियन सिटी होटी है ना, उसके बीचों बीच पहले टाउन के। वेल ये रैंडमाइजर है तो आप लोग को नहीं मिलने वाला, मतलब कि मिल भी सकता है कोई ठीक नहीं है, रैंडमाइजर है कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे वो पोकेमॉन मिल जाएगा। किंगलर एंड बुलडोज करता हूँ इस पर मैं, एंड ओके थोड़ी सी एचपी रह गई है। ओ माय गॉड ये तो सुपर इफेक्टिव है इस पर, ऑरेंज वेडी दिया यार मैंने इसको, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वैसे ये ऑरेंज वेडी का असर कितने दिन तक रहेगा, जिंदगी भर के लिए तो नहीं रहने वाला, आई डोंट नो, शायद कुछ बैटल्स के लिए होता है मे बी। अच्छा मुझे पता है ये टीम रॉकेट का मेंबर है भाई, ये ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, हट यार मुझे ज्वाइन नहीं करनी, आप भी बताता हूँ इसको, मुझे पहले से पता था ये टीम रॉकेट का, आई हॉन ये ले सुपर इफेक्टिव। ओके ऑल राइट गया उसका पहला पोकेमॉन, एंड नेक्स्ट पोकेमॉन उसका देखते हैं। ओके सैंडी गैस्ट, ओके मैं इसको बढ़ाता हूँ। ओके उसके पास ऑरेंज बैड, ये थोड़ी सी एचपी उसने बढ़ा लिया, बल कोई नहीं यार। ऑल राइट कैसे भी करके हमने उसे रात दिया है, आ जा भाई, सबकी लेवल अब बराबर टाइप की हो रही है, 27, 28, 30 बराबर टाइप के चल रहे हैं, 30 तो अभी तक नहीं हुआ। पहले इसने हमें दिया है नज़ल, ऑल राइट पर मैं नज़ल को बेचने नहीं जा रहा अभी, अभी मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है अभी ना यार, मैं उसको पोकेमॉन हील करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अटैक्स जा चुके हैं अपने। ओके आगे बढ़ते हैं फिर से जाते हैं, आई थिंक अब कोई ट्रेनर नहीं होगा आगे, अच्छा अभी भी नहीं जाने दे रहा मुझे, शायद मुझे वहाँ पे बिल की मदद करनी पड़ेगी पहले, तो कहाँ पे है बिल, ओ माय गॉड यहाँ तो ट्रेनर्स ही ट्रेनर्स है भाई साहब। लीपस्टोन यार मेरे पास 2 हो गए, इतने सारे क्या करूँगा मैं, इधर से फंस ही जाऊँगा मैं फिर से, तो एक काम करता हूँ नीचे से जाता हूँ। हाँ ठीक है 2 ट्रेनर से बच गया, इसका से क्रॉब ब्रॉलर, अच्छा क्रैब ब्रॉलर। ओके एक ही पोकेमॉन था इसके पास गाइस, देखते क्या हम लोग बच सकते हैं। ओ नो ओके कोई नहीं ड्यूगोंग है इसके पास, ऑल राइट इस पर बुलडोज करता हूँ मैं, थोड़ी सी एचपी रह गई है बस उसकी, लेट्स सी गाइस क्या मैं इसे हरा सकता हूँ। ओके मैंने इसे हरा दिया है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे 2-3 ट्रेनर्स और है अभी, कोई नहीं सबसे बैटल करेंगे। फ्लोटी ओके इस पर मैं
बुलडोज ही करूंगा। ऑल राइट, क्रिटिकल हिट हो गया यहाँ पे, 29 लेवल हो गए लैंडर्स की। यार इसमें लेवल अप बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि इसे बैटर्स बहुत ज़्यादा है। बुलडोज एंड मेन, यार सबसे बढ़िया बात यार, हमें ब्रैंडन ने ना EXP शेयर दिया था जो कि अभी तक अपने साथ है, एंड उससे यार हमारी सब पोकेमॉन्स की लेवल बराबर हो रही है। वेल, मैं ट्रेनिंग बहुत करता हूँ इस गेम में। इसका विनोसॉर है, बुलडोज गया वो, और पोकेमॉन्स है। ओ माय गॉड, इसका तो पूरे 4 पोकेमॉन्स थे, देखा नहीं था मैंने। ओके, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, कोई नहीं। रॉक थ्रो करता हूँ मैं। स्ट्रैनश्री जो मूव है ना गाइस, वो कमाल का मूव है, साइकिक है, ऑब्वियसली होगा ही। ओके, अरे अरे रुक जा भाई, चलो फिर ठीक है। उसके पास 2 पोकेमॉन्स और है अभी, लैटियाज, रॉक थ्रो। ऑल राइट, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं यार, स्ट्रैनश्री करके मैं इसको ख़त्म करूँगा। स्ट्रैसनरी क्या होता है यार? अच्छा, एक स्ट्रेस सेंसरी है। ओके, ड्रैकोजोल्ट इस पर ट्राई करते हैं। इस पर इफेक्टिव है यार। ओके, कैसे भी हमने करके सुरा दिया है। और ट्रेनर्स है यहाँ पे, लेट्स सी। ओके, मैं समझ गया, यहाँ पे एक और है क्या? ओके, कोई नहीं, लास्ट बैटल है। ठीक है फिर, क्लॉस्टर इसके पास। क्या मैं इस पर कौन सा मूव यूज करूँ? बुलडोज, ओके ओपी। ठीक है फिर, बारिश हो रही है यहाँ पे तो, एंड रियल लाइफ में भी यार मेरे घर पे बारिश हो रही है अभी। कोई नहीं यार, मज़ा आ रहा है यार ऐसे तो। स्ट्रैनसरी यार है ना अपने पास, स्ट्रैनसरी क्या है भाई? बहुत दिक्कत होती है इसको पढ़ने में। एंड फिर से करता हूँ मैं स्ट्रैसेंसरी। रिओलो भी 29 लेवल का हो गया, रिवर्सल सीख रहा है। रिवर्सल देखता हूँ उसकी पावर कितनी है, 0 है, नहीं चाहिए मुझे। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और है, कोई नहीं, आ जा, एक मूव का है। ओके यार, वो भी मुझे एक मूव करके हरा सकता था क्योंकि फायर टाइप है, फिर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ग्राउंड टाइप है मेरे पास। एंड आई होप कि तुम्हें आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो ठीक है गाइस, आज का एपिसोड में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन, बाय बाय।